ये देखो भाई मेरे पास है काफ़ी सारे कंचे, लेकिन एक बात बताओ तुमने कभी कंचे खेले हैं बचपन में? भाई आपका तो पता नहीं, लेकिन मैंने भाई काफ़ी ज़्यादा कंचे खेले हैं बचपन में, लेकिन यार आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं, बताओ क्या? तो भाई बात यह है, जो कंचा होता है इसके अंदर आप लोगों ने एक डिज़ाइन देखा होगा कुछ इस तरह से, जैसे कि इसके अंदर दिख रहा होगा आपको, ठीक है? तो यार बात ये समझ में नहीं आई कि ये जो डिज़ाइन है वो बनता का ऐसे है, कांच का होता, प्लास्टिक का होता, वो तो मुझे भी नहीं पता यार सच में। तो चलो फिर आज की इस वीडियो के अंदर इस कंचे का हैप्पी बर्थडे टू यू कर देते हैं, यानी इस कंचे को फोड़ के देखते हैं कि भैया इसके अंदर ये जो चीज़ है वो है क्या। तो भाई मेरे पास है काफ़ी सारे कंचे, और आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि मैं कौन सा कंचा पहला फोड़ूँ, कौन सा डिज़ाइन का कंचा फोड़ूँ, बताओ। ग्रीन वाला फोड़ दूँ, इसको ही निकालते हैं अलग, है ना? तो इसको कर देते हैं अभी साइड में, और बाकी कंचों को। ये रहा अपना कंचा, और हथौड़े की मदद से इसको फोड़ने वाला हूँ मैं। और भाई कंचा तो फूट गया भाई, हरा हरा देखो इस पर लगा हुआ है हल्का हल्का, आप लोग देख पा रहे होंगे इस पर देखो कलर लगा हुआ है, जो कांच होता है उसमें कलर मिला रखा है, और उसके कांच जो कलर मिला हुआ कांच है उसका डिज़ाइन इसके अंदर दे रखा है, मतलब जो बाकी कांच है वो तो ट्रांसपेरेंट है, और जो ये डिज़ाइन वाला था ना, डिज़ाइन था वो कांच है जिसमें कलर मिलाया हुआ है। ये देखो इस कंचे को और फोड़ के देखते हैं, इसके अंदर भी कुछ अलग तरह का डिज़ाइन है, ठीक है? फूट गया। तो भाई जो मैंने आपको बताया ना वही सीन है बिल्कुल, जो ये डिज़ाइन बना हुआ है ना वो वही वाला डिज़ाइन है, किसी कांच के अंदर अलग कलर मिला दिया और हमारे ट्रांसपेरेंट कांच में उसका डिज़ाइन बना दिया। तो कुछ देखो ये जो बाकी का कंचा है वो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, और जो अंदर कांच है वो कलर मिक्स्ड वाला कांच है, जिसके वजह से इसके अंदर डिज़ाइन बनता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी आज इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।